मुंबई से सटे यह है नाला सुपारा पश्चिम। ये एक हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग, यहाँ पर कलर, प्लास्टर, क्रैक फिलिंग और रिप्लास्टर का काम चल रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि इस बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या ये काम करने जा रहा है। तो यह है हमारे साथ माधव। हाँ माधव बताइए। यहाँ पर सर मेरा कंपनी का नाम ओशन टी इंटरप्राइज। ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है लेकिन ये बिल्डिंग का हम लोग विजिट किया है। विजिट करने के बाद देखा इसमें बीम कॉलम छत जगह काफ़ी ख़राब निकला है। तो इसको हम लोग पहले इसका बाम्बू बन के फिर इसका ग्राइंडर मशीन हम्बर शनि आतरे से इसको जो भी लूज पार्टिकुलर है कॉलम बीम का प्लास्टर का सब निकल दिया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये कॉलम में प्लास्टर निकल गया है, निकल दिया हम लोग इसको। तो उसके बाद इसको जो सलिया निकला है रन को, तो इसको किस तरीके से हम लोग इसका काम करेगा इसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस सलिया को पहले अच्छा तरफ से हम लोग कार ब्रश से इसको घस के इसका जो जंग पतरा है सब को निकल दिया। और उसके बाद रस्ट रिमूवर बोल के केमिकल आता है उससे साफ करके जंग को साफ कर लिया। और उसके बाद इसका जिंक प्राइमर आता है जिसका ऊपर जिंक प्राइमर मारा। ओके ठीक है। ये रेनफर्स्ट का जो प्रोसेस है किया जाता है। और ये रस्ट रिमूवर जिंक प्राइमर मारने के बाद इसमें हम लोग रेडीमेड प्लास्टर यूज़ करेगा। और ये देखा जाता है कि ये कम से कम 25 mm से ज़्यादा है, इसके लिए इसको सिंगल कोट प्लास्टर नहीं चलेगा, इसमें डबल कोट प्लास्टर करना पड़ेगा। okay. तो हम लोग रेडीमेड प्लास्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग 12 से 15 mm प्लास्टर सिंगल कोट यूज़ करेगा, फिर फिनिशिंग में इसको 10 से 12 mm प्लास्टर चढ़ेगा, इसको फिनिशिंग कर देगा। तो रेडी मिक्स सीमेंट का आपने इस्तेमाल किया, तो जो सीमेंट होता है और जो रेडीमिक्स सीमेंट होता है दोनों में क्या फ़र्क होता है? अच्छा देखिए रेडीमिक्स जो है वो उसमें केमिकल, सीमेंट, रेती और रेती तीनों मिश्रण रहता है। और मिशीन से मिश्रण है या किया जाता है और ये एक ही लेवल से एक ही ऋषि से बनाया जाता है। ये कंपनी से फैक्ट्री में से मिशीन में ये बना के पैकिंग किया जाता है। इसमें सेंट रिबर रहता है, सीमेंट रहता है और पॉलीमर रहता है, तीनों एक साथ में मिश्रण करके इसको मशीन से बना के इसको पैकिंग किया जाता है। और वो पैकिंग डायरेक्ट हमारे साइट पे आ जाता है कंपनी से। और ये आप लोग देखिए ये हम लोग और एक कॉलम का तरफ से जो प्लास्टर निकल गया था तो उसको हम लोग सिंगल कोट प्लास्टर किया है। सिंगल कोट प्लास्टर में देखिए सिंगल कोट प्लास्टर मार के हम लोग इसको झाड़ी मार के रखा, तो इसको बाद में हम लोग इसको फिर डबल कोट प्लास्टर करके इसको फिनिशिंग करेगा। ये रेडीमेड प्लास्टर में किया आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है रेडीमेड प्लास्टर का ये इतना मजबूती है जो हम लोग जल्दी तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रेती, सीमेंट और केमिकल तीनों लेवल एक ही लेवल से बना हुआ है और मजबूती है और हार्डनेस है इसमें कैरेक। और आगे जाके इसको होने का डर नहीं होता है। अच्छा जो ऑलरेडी जो हम लोग प्लास्टर करते हैं जो रेडीमिक्स सीमेंट से प्लास्टर करते हैं दोनों में क्या फ़र्क है मजबूती के मामले में और दूसरे? सर वो नॉर्मल जो हम लोग प्लास्टर करता है उसमें सीमेंट, पॉलीमर और रेती तीनों मिक्स करके हमको बना के फिर करना पड़ता है। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है हम लोग जितने इशू है इसका उतना इशू बराबर काम करने वाला को नॉलेज नहीं होगा, नहीं तो काम करने वाला कभी ज़्यादा डाल दिया केमिकल, सीमेंट कम डाल दिया तो उसमें क्या प्लास्टर का जो रेशू है ना वो भी बिगड़ जाता है। वो बिगड़ने का कारण में जो हम लोग वो मटेरियल प्लास्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या थोड़ा दिन बाद में वो प्लास्टर का कैरेगा आ जाता है। आपको जो प्लास्टर कैरेगा आने के बाद फिर वो निकल जाता है। ओके मतलब क्वालिटी खराब हो जाती है। क्वालिटी खराब हो जाता है। और ये रेडीमिक्स में ये चीज़ नहीं आएगा क्योंकि ये बना हुआ है साइंटिफिक तरीके से अनुपात सही अनुपात में पहले से ही बन के आता बन के आता है और ये रेडी बन के आ जाता है। इसमें इस तरह का कैरेक्ट करने का कोई डर नहीं होता है, एक ही लेवल से काम होता है। और ये काम करने वाला को भी इजी है, इसको फटाफट इसको पकड़ भी ले लेता है, मटेरियल भी ज़्यादा वेस्टेड नहीं होता है, नीचे गिरने का इतना ये नहीं होता है, ये खींच लेता है माल को। तो नॉर्मल प्लास्टर से रेडीमेड प्लास्टर मैं तो बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बहुत दुनिया अच्छा है। तो सभी को अगर कोई रिपेयरिंग करना है इस तरीका जूना बिल्डिंग में तो रेडीमेड प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें अलग अलग कंपनी का रेडीमेड प्लास्टर आता है तो इसमें से करेगा तो सर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है रेडीमेड प्लास्टर का। तो धन्यवाद माधव जानकारी देने के लिए। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग में क्रैक फिलिंग करवा रहे हैं, प्लास्टर करवा रहे हैं तो
नॉर्मली जो प्लास्टर सीमेंट होता है उससे मत करवाएं, रेडीमिक्स सीमेंट से करवाएं तो बेहतर रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।